जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती यानी सद्भावना दिवस के अवसर पर महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों किसानों मजदूरों ग्रामीणों पशुपालकों को 2,055.60 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को योजना की दूसरी किस्त के रूप में 1,810 करोड़ रुपए का भुगतान किए। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को दूसरी किस्त के रूप में 168.60 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान की। और भी कई अन्य योजनाओं के पैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जारी किए हैं। साथ ही किसानों मजदूरों युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से हो रहे लाभ के बारे में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित की है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। आज राजीव गांधी जी की जयंती और इस अवसर पर पूरा राष्ट्र सद्भावना दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हीं के नाम से छत्तीसगढ़ में अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की जिसके किस्तों की राशि हमने आज जारी किया है। अब आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरा किस्त जारी करे पर महासमुंद में हम सब उपस्थित हुए हैं। कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब के पैसा ये राशि आज जारी करे हैं और सबूल मिला के करीब 2,055.60 करोड़ रुपया आज वितरण करे हैं जिन किसान मजदूर गरीब गौपालक मन के खाता में आज पैसा गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जतेक भी प्रशासनिक इकाई है ओला छोटे किया जाए तो हमन 6 जिला बनाए, 250 तहसील, 122 अनुभाग ताकि कोनो गरीब ला, किसान ला, नौजवान मन ला, पढ़िया लड़का मन ला तहसीलदार कर जाना है, एसडीएम कर जाना है, कलेक्टर कर जाना है तो दूरिया मत पड़े। ये पैके कर दूरी हमन कम करें और उकरे साथ साथ यू सुविधा भी ध्यान रखें कि किसान मन यदि धान बेचल जाते तो धान संग्रहण केंद्र है, उपार्जन केंद्र है, तेन दूर नहीं होना चाहिए। और अभी 2,500 से अधिक हमारे धान खरीदी केंद्र है। सोसाइटी मन दूरियारी से पैसा निकाले पर दूर दयाल पड़े 1,300 से तेल बढ़ा के 2,000 हमन करें। एक उद्देश्य ही है कि आम जनता असुविधा मत हो। और वही पाए के आप देखे 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के बाद न कोनो किसान ला बोरा के कमी पड़ीस, न तौलई के परेशानी हुई, न टोकन मिले के टोकन पर लाइन लगे, न पैसा निकाले में परेशानी हुई, तीसरा दिन पैसा पहुंचा रही। तो ये प्रकार के व्यवस्था हमारे सरकार के द्वारा लगातार किए गए। साथ ही आज हमारे प्रदेश किसान मन के प्रदेश, मजदूर मन के प्रदेश, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश, हम सब के प्रदेश, युवा मन के प्रदेश और एक निरंतर विकास पर हमार सरकार काम करा थे। वही प्रकार से रोजगार पर आज मनरेगा के मजदूर ला 7,000 रुपया मिला, देश में कोनो जगह नहीं मिला 7,000 रुपया दे थे। लघु पर संग्राहक मन ला तेंदु पत्ता के 4,000 दे थे। अभी 440 करोड़ रुपया हमन हम बोनस के रूप में वितरित करें। ओकरे साथ साथ लघु उपज के खरीदी के व्यवस्था समर्थन मूल्य घोषित करें, वैल्यू एडिशन करें, ओकर से इनकम बढ़ाते और ओकरे साथ साथ गरीब के राशन 35 किलो प्रति परिवार, पहले 7 किलो मिलाद्री से राशन कार्ड कटाद्री से कर चुनाव बीता तब सबके राशन कार्ड कट जाद्री से। अब काकरो राशन कार्ड नहीं बने, जब भी परिवार बढ़त है ओकर पर नवा राशन कार्ड बनाए काम हमारे सरकार निरंतर करत। 74 लाख राशन कार्ड हमन न एपीएल देखे न बीपीएल देखे, सबके राशन कार्ड और सब परिवार ल 35 किलो चावल नमक करायन। बिजली बिल हाफ योजना जेमे 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना 42 लाख परिवार ल 3,900 करोड़ रुपया की राशि मन के उमल सहायता के रूप में दिए गए। तो प्रयास ही है कि हर घर में अंजोर पहुंचाए, सस्ता में बिजली हो और करीब 12-13 हजार करोड़ रुपया
तो केवल सिंचाई पंप के जिन बिजली बिल के सुविधा मिला से तेमे उमल सब्सिडी मिले है और पहली 5,000-10,000 कनेक्शन दे दी से अब तो हमारे सरकार आए एक बात 30,000-35,000 ये साल तो 50,000 कनेक्शन बिजली के देख हमारे लक्ष्य है ओकर बजट में हमन पैसा प्रावधान करें तो प्रयास ये है कि हर स्तर में लोगन ला सहायता मिल सके। आज ये बात के खुशी है कि हमर ये योजना मन के लाभ लेते हुए आज पूरा देश में ये बात के चर्चा है और नीति आयोग ये बात के घोषणा करे है सर्वे करे है और रिपोर्ट दे है कि हमर जतेक भी योजना है ओकर छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला लाभ मिला थे और ओकर कारण से 40 लाख व्यक्ति छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा के बाहर आए है। कतेक बड़ी उपलब्धि है कि आम जनता की जेब में पैसा डाले काम गोबर से भी पैसा कमा सकते तो ओकरो से आज 40 लाख व्यक्ति मन गरीबी रेखा के नीचे बाहर आए है। अब भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन आरोप लगाते छत्तीसगढ़ ला दिवालिया कर दे। आज एक तक बैंक पूरा देश भर में सर्वे करे है तो महाराष्ट्र के बाद दूसरा वित्तीय प्रबंधन वाला प्रदेश कोई है तो छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना दूसरा चीज और पीछे धकेल दे। आज हमारा अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। हमारी सरकार 4.5 साल में जिन मजदूर के आदिवासी के किसान के गरीब के पढ़िया लड़का मन के हित में जिन काम करें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल एक ठक नहीं रही कोई शासकीय स्कूल रमन सिंह के राज में आज 370 स्कूल हमारे अंग्रेजी माध्यम के ओकरे साथ 349 हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय हमन खोले और ओकर साथ साथ अंग्रेजी कॉलेज भी हमारे सरकार के द्वारा खोले गए है। तो आज ओकर पर बधाई देते हुए हरेली के दिन अवकाश कर्मा जयंती के अवकाश विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश छेरछेरा पुन्नी के अवकाश ये हमारे सरकार में संभव है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अब लड़का मन खेला थे सियान मन खेला थे ओकरो मन भर योजना 25 करोड़ रुपए से अधिक के राशि ओकर मन के इनाम पर रखे तो एकर मन के बस चले ते मन तो बोनस देना बंद कर रहा है बोनस के विरोधी है। आओ हम जब 2500 रुपए खरीदे ते मन कहा है समर्थन मूल्य ले 1 रुपया ज्यादा देवे तो तोर चाउर ला हमन नहीं खरीदा। हमन के हमर नेता राहुल गांधी के 2500 रुपया खरीदना है हम कहीं 1 रुपया कम नहीं करा वही पाए के राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। चौबे जी एक बारे में बता रहे मैं दोहराना नहीं चाहूँ लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार तुम्हार सरकार है और तुम्हार साथ खड़े है लेकिन ये बात भी कहना चाहता हूँ आज 2640 रुपए में किसान यदि धान बेचा थे वो ऋण से उऋण हो गए ओकर घर में खुशहाली आए तो छत्तीसगढ़ सरकार को एहसान नहीं करा थे। ये तुम्हारे हक है छत्तीसगढ़ के किसान के हक है छत्तीसगढ़ के मजदूर के हक है छत्तीसगढ़ के वन उपज संग्राहक मन के हक है। ये हक आप मतलब दिवाया के काम यदि करे है तो कांग्रेस पार्टी करे कांग्रेस सरकार करे। आज आपसे कहना चाहता हूं अभी आयरी से कौन है और कई गए लबारी मार के 80% पैसा हमन देता यदि देते तो हमारा धान ला नीलामी करे नहीं लगती। ये अमरजीत भगत बैठे है ओकर अध्यक्षता में कमेटी गठन करे अकबर भाई ऋषि चौबे जी ऋषि सब साथी मर रही से धान हमारे चावल खरीदत नहीं है धान बांज गए तो जिन धान ला तुम्हारे से 1900 में खरीदे रहे वो धान ला 1300-1400 रुपया क्विंटल में बाजार में हमन बेचे 600-700 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल घाटा खा के भी किसान ला नुकसान नहीं हो देन सरकार भले घाटा खा गए लेकिन किसान ला नुकसान नहीं हो देन। अब जब चुनाव आए थे तब कहा थे कि हमन पैसा दे था कतेक लबारी मारा थे और लबरक नौ नांगर तो आज ये बात ला समझे क्या आवश्यकता है। तो आज अब आया हूं यहाँ हमारे विधायक जी कुछ मांग रखे पहली बात है कि ग्राम पंचायत बोरिंग ला नगर पंचायत बनाए जाके ओकरो घोषणा करा था और दूसरा मांग है नगर पालिका महासमुंद ला
नगर निगम बनाए के मांग है तो ओकरो घोषणा करत हूं, और साथ ही कंपोजिट बिल्डिंग बनाए के बाद कहे तो एक घोषणा करत हूं अगले साल और बजट में हम शामिल करबो। तो अब के बात कहते हुए आप चलिए, तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। ऐसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लेकर आप लोग का क्या सोचते हैं, अपना विचार और राय भी नीचे कमेंट बॉक्स पर बता के जाइएगा। साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपटूडेट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।